मानसून आते ही क्या पहाड़ क्या मैदान, हर जगह त्राहिमाम मचा है। देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए। यूपी से लेकर एमपी और बिहार और महाराष्ट्र तक बारिश की जद में कई जिले आ चुके हैं। बड़ी खबर यह भी है कि यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कई नदियां बाढ़ से प्रभावित हो चुकी हैं, कई खतरे के निशान से अब ऊपर बहने लगी। गांव के गांव टापू बन चुके हैं। नेपाल की नदियों में आई बाढ़ का असर नेपाल से सटे जिलों पर साफ देखा जा रहा। यही हाल बिहार का है, वहां के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कोसी नदी के पानी में कई गांव डूब चुके हैं। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा। तो कुदरत किस तरीके से कहर बरपा रही है, इन तस्वीरों से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश से तस्वीरें हैं और बिहार, वलसाड, हरदोई, पीलीभीत, कुशीनगर की ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। जहां पर गांव में अब नाव चलती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि गांव टापू बन चुके हैं। कई गांवों का जो संपर्क है वो मुख्यालय से टूट चुका है। हालांकि राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है, राहत सामग्री भी प्रशासन के द्वारा पहुंचाई जा रही है। बारिश बताते चले कि काल बनकर इस वक्त उत्तर प्रदेश पर कहर बरपा रही है, और यही वजह है कि कुशीनगर, पीलीभीत, हरदोई सहित कई इलाके हैं उत्तर प्रदेश के जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो वही दूसरी तरफ बिहार का भी ऐसा ही हाल है। बता दें कि नेपाल में नदियों में बाढ़ आई है और वहां से पानी छोड़ा गया, जिसका असर नेपाल से सटे जो इलाके हैं उन पर साफ देखा जा रहा है। पूर्णिया, सहरसा, रोहतास में भी इसका असर देखा गया, जहां पर पानी की आवक जो है नदी नालों के साथ नदियों में बढ़ गई है। आसमानी आफत से अब जो है पहाड़ों में रहने वाले लोग भी बच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बताते चले उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। जोशीमठ में बारिश ने कहर बरपाया है, कई इलाके ब्लॉकेज हो चुके हैं वहां पर। उत्तरकाशी की बात करें, उत्तरकाशी में भी यही कुछ हालात देखने को मिले। बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया था। हालांकि वहां पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। मुसीबत अब उनके लिए आ चुकी है जो बताते चले चारधाम की यात्रा पर गए थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तरकाशी में बड़ेथी नदी से लगा एक नाला उफान मारकर बहने लगा। देखते ही देखते नाले से पानी के साथ मलबा भी आता दिखाई दिया। इस मंजर को देखकर नदी के किनारे रहने वाले लोग सहम गए। पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद से हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए भयावह है, और उधर बिहार के सहरसा में भी बाढ़ के बीच एक हैरान करने वाला नजारा दिखा। सहरसा में बाढ़ के बीच एक नाव पर सवार होकर कुछ टीचर स्कूल जाने के लिए निकले, लेकिन इस दौरान वो नदी में भटकते रहे। करीब 2 घंटे तक ये सभी टीचर नदी में ही फंसे रहे, जबकि नाव से नदी पार करने में मात्र 45 मिनट लगता है। बावजूद इसके सभी टीचर 2 घंटे तक पानी में ही भटकते रहे। बताया गया कि मौसम खराब होने की वजह से नाविक को नदी के किनारे का पता ही नहीं चल पाया, जिसकी वजह से नाव भटकती रही पानी में। और उधर गुजरात के कई जिले इस समय बाढ़ की चपेट में है। गुजरात के वलसाड से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर पानी भर चुका है, जिसमें एक एम्बुलेंस पूरी तरीके से डूबी नजर आई। तस्वीरें देखिए, एम्बुलेंस डूब चुकी है। दरअसल हाईवे पर पानी भरे होने की वजह से हादसे में मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी की मौत हो गई, जिन्हें लेने के लिए ये एम्बुलेंस जा रही थी, लेकिन ये भी हादसे का शिकार हो गई और पानी में डूब गई। और इस बीच मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस हफ्ते हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार यूपी और बिहार में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि यूपी बिहार में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी। IMD ने पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी में 16 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार नजर आएंगे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी से ज्यादा बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है।
बीकानेर में देर रात आई तेज बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों के घरों से निकलना मुश्किल होने लगा। एक ही बारिश ने प्रशासन की मानसून की तैयारियों की पोल खोल दी है। चारों तरफ लबालब पानी और परेशान होते लोग। ये मंजर है बीकानेर का, जहां पहली बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बीकानेर में देर रात आई तेज बारिश ने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ कर रख दिया है और निचले इलाकों में कई क्षेत्रों में पानी भरा है, तो उसके साथ साथ जो शहर के मुख्य मार्ग हैं उन पर भी पानी भरा हुआ पड़ा है और इस तेज बारिश के चलते सूरसागर झील की एक दीवार भी गिर गई है। बारिश के चलते सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। शहर की नगर निगम, पीबीएम अस्पताल, रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर पानी भर गया है। आरोप है कि लोगों ने कंट्रोल रूम में फोन किया, लेकिन फोन सुनने वाला कोई नहीं मिला। बीकानेर प्रशासन एकदम झूठे थोथे दावे कर रहा है साथ, कहीं पे भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी एक मौजूद ही नहीं है साथ। चारों तरफ पानी भरा इकट्ठा हो रखा है। सूरसागर की दीवार गिर गई, गिन्नाणी के अंदर पानी भरा पड़ा है, हनुमान हत्या के अंदर पानी भरा गया, गंगा शहर के अंदर करंट आ गया, बच्चों के सब कहाँ कहाँ बताएं आपको। चारों तरफ पानी भरा, प्रशासन एकदम थोथे दावे कर रहा है साथ। बारिश से सड़कों पर पानी के तेज बहाव से सूरसागर झील की एक दीवार ढह गई। इस झील पर प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन पानी की निकासी ना होने के चलते इसकी गुणवत्ता की पोल खुल गई। मानसून से डील करने के लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए, मड पंप्स एक्सेट्रा, जहां कोई वाटर लॉगिंग के इश्यूज आते हैं, नालों की सफाई, इन सब का एक बार रिव्यू कर लिया गया है। हमारी जो सिविल डिफेंस या रिलीफ से रिलेटेड फोर्सेज हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है, और कहीं पर भी मतलब ऐसा कोई हमारा कंट्रोल रूम सेटअप है, और मानसून से रिलेटेड जो भी तैयारियां थी उनका एक बार अवलोकन कर लिया। तेज बारिश के चलते कलेक्ट्रेट में कई पेड़ गिर गए, वहीं कई सड़कों पर सीवरेज के गड्ढों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। प्रशासन, नगर निगम और यूआईटी की लापरवाही के चलते शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से खराब नजर आ रहा है, जबकि प्रशासन ने मॉनसून की सभी तैयारियों को पूरा करने का दावा किया था। कि जिला प्रशासन की तरफ से मानसून को लेकर पूरी तैयारियों के जो दावे किए जा रहे थे, उन दावों की पोल जरूर खुल गई है और जगह जगह पानी भर जाने से जो लोग हैं शहर के वो परेशान हैं। देखने वाली बात यह है कि अब इन लोगों को परेशानी को लेकर प्रशासन किस तरह से इन्हें अब इस पानी से निजात दिलवाता है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।